महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गंधवटी घाट पर स्थित कुकुटेश्वर महादेव 84 महादेवों में 21वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कौशिक नाम का राजा था। विशाला नाम की उसकी रूपवती रानी थी। राजा दिन में तो दिखाई देता था, परंतु रात्रि में अदृश्य हो जाता था। रानी इस कारण रति सुख से वंचित रहती थी। एक बार रानी ने एक चींटे और चींटी को संभोग करते हुए देखा। उसने अपने जीवन को धिक्कारा। वह गालव ऋषि के पास गई और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। उन्हें बतलाया कि राजा स्त्रियों के राज्य से 8 सुंदरियाँ लाया है, परंतु उनके साथ रात्रि नहीं बिताता है। तब गालव ने समझाया कि विदुरथ का पुत्र कौशिक तुम्हारा पति है। उसे मुर्गे का मांस खाने का शौक है। उसने मुर्गों का अकाल पैदा कर दिया है। जब यह बात मुर्गों के राजा ताम्रचूड़ को मालूम हुई तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। तब राजा वामदेव ऋषि के पास गया और उसने अपने क्षय रोग से मुक्ति का उपाय पूछा। वामदेव ने उसे ताम्रचूड़ के पास जाने की सलाह दी। ताम्रचूड़ से निवेदन करने पर उसने समझाया कि तुम दिन में पुरुष रहोगे और रात्रि में मुर्गा बन जाओगे। यह जानकर विशाला रानी ने गालव मुनि से इस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। गालव ने ध्यान लगाकर उसे समझाया कि महाकाल वन में ज्वालेश्वर के पूर्व में एक लिंग है, उसके दर्शन से पक्षी योनि से मुक्ति मिलती है। तब रानी राजा के पास गई। उन्हें लेकर वह उस लिंग के पास गई। लिंग का पूजन कर वे रात्रि को वहीं रहे। उस रात्रि को राजा कुकुट नहीं बना। राजा के पूछने पर रानी ने राजा को गालव ऋषि द्वारा कही गई सारी बात बतला दी। इस लिंग की पूजा करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब से यह लिंग कुकुटेश्वर कहलाया। चतुर्दशी को इस लिंग की पूजा करने से यदि पितृ भी पक्षी या पशु योनि को प्राप्त हुए हों तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।